हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बच्चों के मज़े में होंगे। आज मैंने कहा आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला मीशो रैंडम फाइंड्स। सो बेसिकली कुछ चीज़ें मैंने मीशो से मंगाई है, विच इंक्लूड सम ऑर्गेनाइजर्स, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी व्हाट दीज आर। ये ना बहुत ज़्यादा ऐसी यूजफुल वाली ही चीज़ें हैं, तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे फॉलो कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ऑर्गेनाइजर से ही शुरू करते हैं। मेरे पास फर्स्ट यहाँ पर है ट्रैवल ऑर्गेनाइजर, मैंने मंगाया था। ये कुछ इस तरीके के जो पैकिंग क्यूब्स आते हैं ना, ये मैंने मंगाए थे। ये थे सेट ऑफ सिक्स एंड ये मुझे पड़े ओनली 340 रुपीज़ का। अगर आप ये अमेज़ॉन पर लेने जाओ या कहीं अच्छे से लेने जाओ तो ये अराउंड 500 के ऊपर 600 के आसपास। ऑब्वियसली क्वालिटी भी वैसी है 340 वाली ही, बट यूजेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ क्या है। सो इस तरीके के बैग्स हैं, 3 बैग्स। दिस इज़ द बिगेस्ट बैग जो आपको मिलता है एंड इसमें आगे ऊपर से मैश लगा हुआ है एंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की जिप मिल जाती है। आप इसमें ना वाइल ट्रैवलिंग उनमें कपड़े पैक करके देन इन क्यूब्स को बैग में रख सकते हो, सो दैट आपके कपड़े नो ऑर्गेनाइज रहेंगे। आप अपने ओकेजन के हिसाब से या फिर आपने ट्रिप कब कौन से पहने उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मटेरियल की बात करो तो मटेरियल पतला है, जो मटेरियल है ना पतला प्लास्टिकी मटेरियल है। जिप भी है, जिप भी ठीक ठाक क्वालिटी की है, बहुत ज़्यादा एकदम फ्लिमजी नहीं है बट कुछ बहुत ज़्यादा स्टर्डी या स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। नेट है वो भी ठीक ठाक क्वालिटी का ही है एंड इस पे जो यहाँ पर स्टिचिंग दी जाती है ना वो भी एक सिंगल स्टिचिंग ही है। बहुत ही जल्दी ये नो फट सकता है या बहुत ही जल्दी इसकी स्टिचिंग निकल सकती है। तो इसमें दिस इज द फर्स्ट बैग, सेकंड साइज ऑफ द बैग एंड दिस इज द थर्ड साइज ऑफ द बैग। सो आप अपने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। दीज आर द 3 बैग्स एंड उसके अलावा आपको 3 पाउचेस भी मिल जाते हैं। तो जिस तरीके से आपको 3 पाउचेस मिल जाते हैं इसमें, आप भी आपको 3 साइज़ मिल जाते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट वन। इसमें आप अपने यू नो कोई भी मेकअप, स्किन केयर या फिर टॉयलेट्रीज या फिर आप कोई मेडिकल किट लेके जाते हो तो कुछ इस तरीके से आप उसको पाउचेस में रख सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड साइज एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट साइज। नेक्स्ट वो टू नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर इसमें बस यहाँ पर नहीं है बट आई पुट द पिक्चर हियर और मैंने वो जो वीडियो उसका शॉट लिया है वो भी यहाँ पर लगा दूंगी। बेसिकली दिस इज कम्स इन अ सेट ऑफ 2। ये कुछ इस तरीके के नॉन वोवन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स है फॉर योर वार्डरोब। इसमें आप अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कुछ रैंडम चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फाइल्स बुक्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो आप जो चाहे वो यू नो उसको इसको ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वाओ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। 2 पीसेस पड़े 260 रुपीज़ के। इसी तरीके का सिमिलर मैंने बाय किया था अमेजोन से, 3 पीसेस का था, अराउंड 500+ कुछ उसका प्राइस था बट वो साइज में भी थोड़े से बड़े थे। थर्ड ऑर्गेनाइजर मैंने लिया है ये लिपस्टिक होल्डर। ये कुछ इस तरीके का लिपस्टिक होल्डर आता है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। बेसिकली ना मैंने ना करंटली अपना मेकअप पाउचेस में भर रखा है, उसमें से ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई थॉट आई ऑर्गेनाइज माई मेकअप, उसके फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने ये लिपस्टिक होल्डर लिया हुआ है एंड इसमें 24 पॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको लिपस्टिक को रख सकते हो। दिस इज़ अक्रीलिक मटेरियल, क्वालिटी अच्छी है। ओनली सिर्फ एक बार मुझे जो अच्छी लगी कि नीचे से ऑलरेडी इसके बहुत सारे स्क्रैचेस है। एट दिस प्राइस विच इज़ ओनली 160 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस। दिस इज अगेन ऑर्गेनाइजर। सो ये है कुछ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर, आपके वार्डरोब के ड्रॉअर्स को आप यू नो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके का आता है, प्लास्टिक मटेरियल है एंड आपको इस तरीके से ऑलरेडी पार्टीशन मिल जाएगा। बेसिकली आपने अंडरगारमेंट्स या फिर सॉक्स या हैंडकरचीफ वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये मुझे यहाँ पर 4 का सेट मिला है फॉर 240 रुपीज़, इज अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ का एज, विच आई थिंक इज अ गुड डील। इसका क्वालिटी भी है अगेन यू नो बहुत ज़्यादा फ्लिमजी नहीं है, यू कैन सी दैट प्लास्टिक यू नो बहुत ज़्यादा फ्लिमजी नहीं है बट अगेन सेम वो लिपस्टिक होल्डर की तरह ये इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इट फील्स के बहुत ज़्यादा टाइम तक रखा हुआ था या फिर हैंडल किया हुआ था, कुछ इस तरीके का ये लगता है। आई थिंक इसमें आपको रैंडम कलर्स मिलते हैं, मुझे मिला ये ग्रीन कलर, देन दिस 1 पिंक एंड 2 वाइट्स। सो मैंने लिया है कि मैं इसको एक तो सॉक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करूँ एंड अदर आई कैन स्टोर माई मेकअप प्रोडक्ट्स इन दैम। आई शेडो पैलेट्स होते हैं या फिर बाकी के जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर मैं इनको स्टोर कर पाऊँ। बट अगर आप कुछ ऐसे ड्रॉ ऑर्गेनाइजर ढूंढ रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस
सीम्स टू बी गुड एट दिस प्राइस. डन विद द ऑर्गेनाइजर्स. यहाँ पर लास्ट सेकेंड लास्ट पीस मेरे पास यहाँ पर है, विच इज़ दिस बाथ मसाजिंग स्क्रबर टाइप का कुछ है. बेसिकली जैसे बोलते हैं कि लूफा यू शुड नॉट यूज़ बिकॉज लूफा में बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है. सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर दैट. दिस इज़ मेड अप ऑफ सिलिकोन. इसमें आपको कुछ इस तरीके से पीछे ओपनिंग मिलती है जहाँ पर आपको आपका बॉडी वॉश और पानी डालना होता है, एंड देन यू हैव टू मसाज दिस. लेट मी टेल यू, इसके जो ब्रिसल्स है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपके बॉडी पे बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेंगे. एंड दिस वॉज फॉर 110 rupees. आई गेस इसमें भी रैंडम कलर्स आपको मिलते हैं, मुझे मिला है ये पिंक वाला. एंड माई लास्ट एंड फाइनल परचेजेस आर दीज नेकलेस के पीछे के जो स्ट्रिंग्स होते हैं. सो बेसिकली कितनी बार ऐसा होता है कि आपका नेकलेस है अच्छा सा और उसके पीछे का जो स्ट्रिंग होता है वो टूट गया, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि बाहर जाओ दूसरा स्ट्रिंग लगवाओ, या फिर अगर आपको अर्जेंटली कहीं पर जाना है एंड देन यू फाइंड आउट द स्ट्रिंग निकल गया है तब कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट आपको दूसरा कुछ पहनना पड़ता है. सो दीज आर द स्ट्रिंग्स, यही सेट ऑफ 5 स्ट्रिंग्स थी जो मैंने ऑर्डर करी थी. ये कुछ इस तरीके के में आती है. आई थिंक इसमें सिल्वर कलर का भी ऑप्शन आता है, अगर आई गेट इट तो मैं उसका कोड एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दीज आर द गोल्डन वंस दैट आई ऑर्डर्ड. इसके आगे आपको कुछ इस तरीके के हुक्स मिलते हैं सो दैट यू कैन पुट योर नेकलेस एंड्स इन टू दिस एंड वो जो नया इसको स्प्रिंग लगा सकते हो. ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था एंड लेट मी टेल यू, इसको बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगा था, बिल्कुल भी जो मेटल है ख़राब नहीं हुआ है, स्ट्रिंग की क्वालिटी भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है. ये सेट ऑफ 5 स्ट्रिंग्स मुझे मिला था 159 rupees में. मैंने सीखा कि बेस्ट का जो टैसल है ना वो भी एकदम बेकार सा नहीं है, टैसल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. सो दैट्स इट, दैट वाज माय रैंडम मीशो फाइंड्स. अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर कोड या लिंक्स आपको मिल जाएंगे. एंड अगर आपको इस तरह की और भी हॉल वीडियोस देखना है डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.